Hey guys, welcome back to my channel Pinaki Arts. I hope you all are doing good. वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास जल्दी से पहुँच जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए दो कार्डबोर्ड के पीसेज। पेस को थिक बनाने के लिए मैं दोनों बोर्ड्स को यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं एक रफ सा स्केच ड्रॉ कर रही हूँ। ये वाला पॉट मैंने फर्स्ट वाले को ओवरलैप करते हुए बनाया है। आपको इसमें ज़्यादा नीटली बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसके ऊपर न्यूज़पेपर और फॉइल पेपर का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर फॉइल पेपर को पॉट की शेप में अरेंज करते हुए रखना है हमें। इट टेक्स टाइम बट फॉइल पेपर बहुत इजीली शेप ले लेता है। आपको बस इसे लेयर बाय लेयर अरेंज करना है। पेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप का यूज़ किया है जस्ट बिकॉज ये हमारी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट पेंटिंग है। सो मैंने यहाँ पर यूज्ड फॉइल पेपर्स का ही यूज़ किया है। पॉट की शेप सेंटर में से कर्व्ड होती है सो मैंने सेंटर में थोड़े एक्स्ट्रा फॉइल पेपर्स का यूज़ किया है। अगर आपके पास से फॉइल पेपर ना हो तो आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दूसरी वाली में इसी तरह से बताया है। पेपर से अच्छे से कवरिंग हो जाने के बाद मैंने इसके ऊपर फॉइल पेपर की लेयरिंग की है। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि दोनों पॉट्स की सरफेस का टेक्सचर सेम रहे। यहाँ पर मैंने कुछ एरिया में मार्किंग की है जहाँ पर मैं ब्रिक वॉल बनाने वाली हूँ। ब्रिक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लंबी लंबी स्ट्रिप्स काटी है, उनसे इतनी छोटी छोटी कटिंग की है। अब वन बाय वन हमें इनको पेस्ट करते जाएंगे। हर एक ब्रिक के बीच में स्पेस होना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं मैंने सेंटर की तो ब्रिक सेम साइज़ की लगाई है लेकिन साइड्स की मैं कटिंग करके लगा रही हूँ। बस इसी तरह से हमें पूरी ब्रिक्स को नीचे तक अरेंज करना है। अब यहाँ पर मैंने फेविकॉल और पानी ऐड किया है, उसमें फेविकॉल और पानी की क्वांटिटी सेम रहेगी। अब पूरे एरिया में फेविकॉल लगाते हुए हमें उसके ऊपर टिश्यू पेपर लगाएंगे। हमें पूरे बोर्ड को टिश्यू पेपर से ही कवर करना है। आप देख सकते हैं मैंने डबल टिश्यू पेपर का यूज़ किया है, इससे हमारा पूरा एरिया कवर भी होगा और वो स्ट्रॉन्ग भी बनेगा। मैंने अब अच्छे से पूरे एरिया को कवर कर लिया है। यहाँ पर अब मैं कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर रही हूँ। इसके लिए मैंने टिश्यू पेपर को कुछ इस तरह से ट्विस्ट किया है पहले। इसके बाद मैं इसमें फ्लावर की शेप देते हुए राउंड में ट्विस्ट कर रही हूँ।
अब इसके ऊपर भी फेविकॉल और वाटर से ब्रश करना है। इसी तरह से मैंने और भी फ्लावर्स बना लिए हैं। यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर्स को ट्विस्ट करके सीधे सीधे छोटी बड़ी लगाई है। आफ्टर 12 आवर बोर्ड कम्प्लीटली ड्राई हो जाने के बाद उसके ऊपर पेंट करना है। सबसे पहले पूरे बोर्ड को ब्लैक कलर से पेंट किया है मैंने। पूरे बोर्ड को अच्छे से ब्लैक कलर करना है, कहीं भी व्हाइट एरिया नजर ना आए। पूरा बोर्ड ब्लैक हो चुका है, अब बारी है इसको एम्बॉस करने की। उसके लिए पहले मैंने यूज़ किया है रेड कलर का। ब्रिक वॉल को हाईलाइट करने के लिए बहुत ही लाइटली ब्रश करना है। इसके लिए ब्रश में कलर की क्वांटिटी बहुत ही लेस होनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ गो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, द लिंक इज़ इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन चेक आउट मोर वीडियोज़ देयर। तो एट लास्ट मैंने गोल्डन कलर को एज अ आउटलाइनर यूज़ किया है। सो दिस इज द फाइनल लुक। आई होप यू एंजॉयड एंड लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।